ये भी डबल ग्लास है और उसका फ्रंट भी डबल ग्लास है 400 वाट में। ये भी डबल, ये पर डबल ग्लास में भाई देख लोगे ना तो इसका लिखा होता है जिनको, इसकी तार पे भी लिखा होता है और साथ में उसका जो है ना ये कनेक्टर जो होता है इसके भी जिनको लिखा होता है। असल की मार्केट में इसका दो नंबर ये चल रहा है कि इसमें मार्केट में वो आई हुए है जिसको डबल शीट कहती है, ईयर वारंटी के 7 दिन के, और ये 3.5 है, ये बैटरी और विदाउट बैटरी के दोनों काम साथ दोनों करेगा, पे चलते हैं। डबल इससे इस तरह दिखाई देता है जिस तरह के डबल ग्लास है, ग्लास हालांकि है। डबल ग्लास होता नहीं है। 450 वाट के पैनल से कोरियन डिजाइन का बना हुआ है, फ्रंट इसका जो है ना मोनो डिजाइन में, और ये 2 किलोवाट का होता है। सही इसमें जो है, है ना सोलर कैपेसिटी 1200 वाट का कैपेसिटी होती है सोलर का। ये इसका बैक साइड है, 10 से 12 के दरमियान में इसका एम्पियर होता है। 12 या 14 पीस लगाओगे ना तो उसका पूरा 5 किलोवाट बनता है। एक ही सी चला सकते हो, साथ में 10-12 पंखे और इसी तरह लाइट शाइट चलाओगे। आजकल पाकिस्तान में ज्यादा चल रहा है जे 540 वाट में, और ये जे कंपनी का है। ये सिंगल ग्लास में ये है, 45 हाई साइज का है। इसका जो बस बार है ये 16 बस बार में फर्स्ट टाइम हुआ, इसका 550 वाट में, और ये जिनको में, ये पूरे घर के ऊपर यूपीएस हाँ की जितनी चीजें चलती हैं वो हाँ इस एक प्लेट पर चल एक सकती प्लेट हैं। से चला भी डबल ग्लास में, और ये इसका केबल है केबल के ऊपर जिनको लिखा हुआ है। और ये शंडर कंपनी का है। तो अच्छा छोटी सैंपल का पड़ा हुआ है हाँ और ये 12 वोल्ट में होता है, नॉर्मली जो घर में यूज होता है पंखे शंखे चलाने के लिए या सेल है में। और ये भी 90-45 का है, ये 600 वाट में। इसका ठीक है, 90-43 साइज होता है और इसका वोल्ट जो है ना 48 तक, 48-49 तक का वोल्ट है। ये 6 किलो वाट है और इसका जो है ना टच स्क्रीन होता है, सही है। टच और इस स्क्रीन यहाँ बगैर पर बैटरी और बैटरी दोनों के साथ चलता है, और ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, तो 7 पैनल सामान के चला ऊपर सकते पूरा हो। घर चल सकता है इस हाँ, पे। उस फाइव और ये 5.5 है। इसमें पॉइंट फाइव इसमें पेल केट अपना लगा होता है, ये सोलर पावर का है, और ये बगैर बैटरियों की चलती है। क्या पंजाब के साइड के जो ज्यादातर लोग हैं वो केतु वगैरह कहते हो, गांव वाले लोग, तो उनको ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए ये VFD ज्यादातर यूज होते हैं। 3 फेज में होता है इसका, आप जो है ना मुख्तलिफ हॉर्स पावर के मोटर चला सकते हो, जी साढ़े ठीक सात किलो वाट का है। है। मेरी कोशिश होती है आपको हमेशा किसी ऐसे पॉइंट का विजिट कराऊं जहां आपको मुकम्मल मालूमात के साथ पूरे का पूरा सिस्टम भी देखने को मिले। तो आज मैंने एक शॉप का विजिट किया, यहाँ के ओनर हैं शेरियार भाई, इनसे मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं, जानते हैं इनके पास क्या कुछ आज देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम शेरियार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक, है, ऐसे ठीक है। अच्छा शुक्र है। शरियार भाई, सबसे पहले अगर कोई आना चाहे आपकी शॉप पे, आप अवामी मार्केट में कौन सी शॉप है आपका, और फुल एड्रेस भी व्यूवर्स को बता जी, दें। हम पेशावर से करखानो मार्केट अवामी प्लाजे बी ब्लॉक में 5-6 हमारे शॉप है, सन स्टार एनर्जी के नाम से। हम सारे पाकिस्तान में डिलीवरी करेंगे और ऑलरेडी हम कर रहे हैं, सारे पाकिस्तान में हमारे डिलीवरी होते ये हैं। चीजें सेफ पहुंच जाती हैं। सेफ 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 इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में पहले हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ देखने को मिलेगा, और एक आम बंदा जो मेरी तरह जिसको नहीं पता है सोलर पैनल क्या है, कितने में क्या लग जाएगा, तो उसको भी पूरी मालूमात मिलेगी आज की वीडियो से। कहाँ इंशाल्लाह पूरा के पूरा मिलेगा, ए टू जेड कंप्लीट। से स्टार्ट लेंगे और क्या कुछ आप दिखाएंगे, तो फर्स्ट सोलर के ऊपर आ जाते हैं हम व्यूवर्स को, साथ साथ गपशप भी हमारी चलती रहेगी और सोलर भी साथ साथ दिखाएंगे। इंशाल्लाह तो भाई हमारे पास तो मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ वराइटीज होती है, तो अब हम स्टार्ट लेंगे 450 वाट के पैनल से, कोरियन डिजाइन का बना हुआ है, और ये सिंगल ग्लास का होता है, फ्रंट इसका जो है ना मोनो डिजाइन में, और अच्छा, उसको जो है ना कोरियन शेप कहती ये है। कोरियन शेप हाँ, है, ये ठीक इसका है। फ्रंट है और ये इसका जो है ना बैक साइड है, ये इसका बैक साइड है। और ये हाँ, भाई मेरे 450 वाट का होता है, ये 450 वाट का होता साढ़े है, चार सौ ये वाट का, साढ़े ठीक चार है। सौ वाट का उसका यस वोल्ट जो है ना 48 वोल्ट होता है, और साथ में उसका एम्पियर जो है ना 10 से 12 के दरमियान में इसका एम्पियर होता है, और ये शंटर कंपनी का बना हुआ है, शंटर कंपनी का। उसके अलावा इससे पीछे जो माल लिख पड़ा है ये वाला, जी ये भाई, जनको कंपनी का है, ये जिनको का, ठीक ये है, जिनको का है, ये 400 वाट में, ये 400 वाट में, ये भी डबल, ये पर डबल ग्लास में। अच्छा उसका जो है डबल, ना अच्छा सिंगल ग्लास था और ये डबल ग्लास में, ये डबल ग्लास सिंगल ग्लास का ये पहले डबल फर्क ग्लास बता दे। असल के जो सिंगल ग्लास होता है उसका फ्रंट में सिंगल ग्लास होता है, पीछे से उसका जो है ना वो सादा सा शीट लगा होता है सफेद सा, सही और है, उसका डबल ग्लास होता है, इसका पीछे भी ये ग्लास होता है, और उसकी फ्रंट साइड से जो है ना फ्रंट की साइड से ये भी ग्लास है, ये डबल ग्लास है, जी उसका फ्रंट पे भी ग्लास होता है और पीछे से भी ग्लास, ये उसका पीछे ये भी डबल ग्लास है और उसका फ्रंट भी डबल ग्लास है, और ये असल के जेनको है, ये 400 वाट में। और ये मेरे भाई देख लोगे ना तो इसका लिखा होता है जिनको, इसकी तार पे भी लिखा होता है, और साथ में उसका जो है ना ये कनेक्टर जो होता है इसके भी जिनको लिखा होता है, ठीक तो है। इससे मतलब उसकी ओरिजिनलिटी का पता चलता अच्छा, है। ये जो आपने अभी इसको ना नॉक किया था जो कॉइन से, तो इसने हमें जो साउंड दी है वो जिस तरह एक प्योर शीशे की होती है या उस तरह की होती है, जो सिंगल शीट का होता है उसकी साउंड इससे डिफरेंट होती है। उससे डिफरेंट, उससे उस जिस तरह हम प्लास्टिक का होता है ना, प्लास्टिक की तरह होता है,
असल के मार्केट में इसका दो नंबर ये चल रहा है कि इसमें मार्केट में वो आई हुए है जिसको डबल शीट कहती है, उसका फाइबर सा शीट होता है, ठीक उसके है, बैक साइड से लगाई इसे इस तरह दिखाई देता है जिस तरह के डबल ग्लास, डबल हालांकि ग्लास उसका है। डबल ग्लास होता नहीं है। तो आप इस तरह चेक करोगे ना तो फ्रंट से भी टक उसका शीशे जिस तरह होता है और पीछे से चेक करोगे ना तो वो भी शीशे जिस तरह होता है। बेहतरीन हो गया। ये जो आपने अभी हमें दिखाया है, इसकी कितनी प्लेट्स लगा दी जाएं तो 5 किलो वाट पूरा घर का सोलर पैनल बन जाएगा। या आप कम से कम 12 या 14 पीस लगाओगे ना तो उसका पूरा 5 किलोवाट बनता है, 5 किलो वाट, पांच एक किलो वाट नॉर्मल मुकम्मल पांच बनता किलो वाट के ऊपर घर में क्या क्या चीजें चल सकती है। हैं? एक ही सी चला सकते हो, साथ में घर का जो समरसेबल होता है वो चला सकते हो, और साथ में 10-12 पंखे और इसी तरह लाइट शाइट चलाओगे, इस्त्री चला सकते हो, तो सारा नॉर्मल घर का जो है ना उस 5 किलोवाट पे कवर होता तो है। इसके बाद कौन सा वाला पैनल दिखाएंगे और किस कंपनी का दिखाएंगे? जे ये 540 वाट में, और ये जे कंपनी का है, सही और है, ये मोनो मोनोपर्क डिजाइन में होता है, ये मोनोपार्क मोनोपर्क में डिजाइन, है। हाँ, ठीक है, उसका ये बास बार जो होता है 9 बास बार होते हैं। ठीक हो हाँ, गया। उसके अलावा ये सिंगल ग्लास में, सिंगल ग्लास है, ये बैक हाँ ये साइड है। उसका फ्रंट था और ये हाँ, उसका बिग साइड है, ये सादा सा शीट है, इसको सिंगल ग्लास कहती है। और काम ये इस भी ठीक करेगा, यानी हाँ कि सिर्फ ये भी इसमें सेम ही चलेगा, जी लेकिन उसमें भाई ये होता है कि उसका एफिशिएंसी जो है ना वो उससे थोड़ा बेहतर होता है, डबल होती है। ठीक है, डबल होती है उसकी। इस जे एस पी जो है ना उसका ये लिखा हुआ, ठीक ये हो गया। जे जे इसका ये मेंशन हुआ। और साथ में उसके अलावा हमारे पास है, जिनको का माल ये पड़ा काफी है, बड़ा लग रहा था, ये जो भी आपने ये दिखाया 90-45 हाइट। साइज का है, ये 90 इंच का होता है, 45 की चौड़ाई होती है। ये सिंगल ग्लास में ये 48,000 का होता है, और डबल ग्लास में लोगे तो कम से कम मार्केट का आप 51,000 चल रहा है, होलसेल में जो 51 का आज की देंगे रेट है, आज की रेट है। ठीक है भाई व्यूअर्स, आज के रेट का मतलब ये है, वीडियो अगर आप महीने के बाद देखते हैं तब रेट डिफरेंट हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने रेट कुछ और बताया है, तो आज हमें रेट कुछ और देखने को मिला है। ये वीडियो बन रही है तो आज के करंट रेट आपसे शेयर किए जा रहे हैं। इसके बाद ये जो अभी आपने हाथ रखा है, ये पैनल थोड़ा मुझे इनसे डिफरेंट लग रहा है, ये ये किस सबसे कंपनी का है? डिफरेंट है, और ये जो है ना जिनकोम है, अच्छा, ये जेनकोम है। बेहतरीन बना हुआ है, ये लेटेस्ट है। उसके अलावा ये इसका जो बास बार, ये 16 बास बार में फर्स्ट टाइम हुआ है, सही है, और इसका 550 वाट में, और ये जिनकोम है, ये भी जिनकोम है, और ये डबल ग्लास में आया हुआ है। अच्छा इसका मुझे ये कुछ फ्रंट है, ना कुछ मैंने एक वीडियो पहले की थी, मेरे कुछ व्यूवर्स के मुझसे क्वेश्चन थे, मैं आपसे ही कर लेता हूँ कि एक जो प्लेट ये वाली जो हमने अभी दिखाई आपने 550 वाट की है, इसके ऊपर उनका क्वेश्चन ये था, फैसल भाई ये बता दें कि हमें इस पे हम सिंगल प्लेट पे क्या कुछ चला सकते हैं घर में। तो सिंगल प्लेट पे ज्यादातर अगर आप मतलब इन्वर्टर की बात कर रहे हो ना, तो इन्वर्टर का अपना जो है ना वोल्ट रेंज होता है, उसको अपना वो वोल्ट पूरा करना होगा। तो एक पैनल लगाने के लिए आपको कम से कम यूपीएस, छोटा यूपीएस या एमपीपीटी कंट्रोलर लगाओगे ना, तो आप घर का यूपीएस पे जो चीजें चलते हैं वो चला सकते पूरे हैं। घर के ऊपर यूपीएस हाँ की जितनी चीजें चलती हैं वो हाँ इस एक प्लेट पर चल एक प्लेट सकती से हैं। चला, सो नॉर्मली सही एक है, प्लेट जो है ना यूज नहीं होता, सही है, ज्यादातर आप कम से कम 4 से या 4 से ऊपर जाओगे। बेहतरीन। उसके अच्छा, अलावा ये ये भी मेरे डबल भाई ग्लास इसका है, बिग साइड है, ये बेहतरीन भी है। डबल अच्छा, ग्लास में, और ये इसका केबल है, और इसका जो है ना केबल पे लिखा होता है जिनको, इसके केबल पे लिखा होता है, इसके ठीक है केबल पे भाई। लिखा हुआ है यहाँ पर ये अगर मैं आपको जिनको। जूम करके बताऊं तो ये आप केबल देख सकते हैं, केबल के ऊपर जिनको लिखा हुआ है, ठीक है भाई और ये भी डबल ग्लास में है जी। इसकी एक पैनल की प्राइस क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय व्यूवर्स खुद कर लेंगे। आज करंट रेट क्या ये, मिलेगा? चूंकि सबसे बेहतरीन है, और ये आप लोगों को लगेगी 51,000 का आजकल का रेट है, फिर जो भी रेट हो आजकल के, चूंकि पाकिस्तान में हालात ही कुछ इस तरह है कि अनस्टेबिलिटी हाँ है बिल्कुल मार्केट ऐसा ही में, है। तो रेट का कोई पता नहीं चलता, तो आजकल के आज का रेट 51,000 का। और उसके अलावा हमारे पास और क्या, ये वाला पड़ा हुआ है, जी ये भाई, भी 90-45 है, ठीक उसका है, 90 साइज होता है, ये पैंतालीस किस को कंपनी का चौड़ाई है? होती है, और ये शंडर कंपनी का है, अच्छा, और ये भी डबल ग्लास में, इसका ये भी ग्लास है, बैक और उसका साइड भी हाँ ये ग्लास है, इसका असल के बिग साइड है, ठीक है इस पे शंटर लिखा होता है, जी। या उसके ये इसकी बक्से पे बैक साइड शंटर। ऑलरेडी है, ठीक हाँ हो गया। ये फ्रंट साइड, ये भी मोनोपर्क डिजाइन में, और इसका जो है ना 9 बजवार होता है, सही उसका है। 16 थे और इसका 9 है, ये भी बेहतरीन कंपनी का है, शंटर तो कंपनी इसकी का अगर बना हुआ प्राइस है। की बात की जाए, ये लगेगा आपको 50,000 का, 50,000 ये का, आजकल का रेट 50,000 चल रहा ठीक है। है। एक आप हाँ बीच में से स्किप कर गए जो आपकी बैक साइड पे ये ये वाला। वाले, ये तो छोटी सिंपल का पड़ा हुआ है, हाँ और ये 12 वोल्ट में होता है, नॉर्मली जो घर में यूज होता है पंखे शंखे चलाने के लिए, या सिंगल बैटरी लगती है उसके लिए, ये ये वाला जो है ये मुझे इससे डिफरेंट लगा है हाँ इससे डिफरेंट लगा है। ये जी, क्यों क्यू सेल में, सेल ये में अलग कंपनी का है, हाँ ये क्यों सेल है में, और ये भी 90-45 का है, जी इसके भाई, ठीक स्क्रीन में क्यों लिखा होता है, है। इसके स्क्रीन इसकी में क्यों प्राइस लिखा बात होता की जाए तो क्या है, ये मिलेगा? 49,000 का लगेगा। अच्छा, फोर्टी हाँ नाइन हाँ थाउजेंड का ये हाँ मिलेगा, आज का ये रेट है,
और फिर उसके हिसाब से बात अच्छा होगी। जो मैं क्योंकि एक चीज नोट कर रहा हूँ, आपने जो व्यूवर्स देखा होगा इसका भाई ने 51,000 समथिंग रेट बताया है, तो ये कहा भी है कि ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है इसका, और उसका डिफरेंट मुझे सिर्फ 2,000 रुपये का लगा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 2,000 को आप बिल्कुल भी वो ना करें, ये वाला आप लेना चाहें ले लें भाई से, तो ये बेहतरीन चीज है। ऐसा ही है शरियार भी, हाँ, इसी इसी यही तरह रिकमेंड करेंगे आप भी? यही बेहतरीन है फिलहाल। और इस तरह होता है कि हमारे पास तो मतलब एक ही टाइम का माल होता है, तो हमारे साथ होलसेल में होता है, ठीक कोई है, बंदा आके 100 पीस उठाता है तो कोई 200 के उठाता है, अच्छा तो आज यही रेट और यही माल पड़ा है, कल जो भी माल हो या जो भी रेट हो ना, तो उसके हिसाब से फिर बात हो कि व्यूअर्स को बेहतरीन। ये स्पेशल तो माल लास्ट में क्या दिखाएंगे? लास्ट में। उसके अलावा ये वाला है, ये ये पेनल ठीक है, ये 600 वाट में है, इसका है, 90-43 साइज होता है, और इसका वोल्ट जो है ना 48 तक, 48-49 तक का वोल्ट होता है, और साथ में सही 14 हो से गया। 15 किस तक कंपनी का एम्पियर ये? होता है, और ये इसको जो है ना, ये कुरियन डिजाइन में बना होता है, कोरियन डिजाइन हाँ, ये है। इसको मोटरवे डिजाइन भी कहते हैं। 600 वाट हाँ, की ये कितनी 600 वाट सिंगल ग्लास में, कितनी प्लेट्स ये काफी होती है? 50,000 का है, और इसमें जो है ना हमारे पास फिलहाल तकरीबन 50 राउंड पीसेस पड़े हैं। हमारा अपना जो है ना वो सिस्टम इंस्टॉलेशन होता है, तो हाँ उसके साथ हमारे पास इन्वर्टर पड़े होते हैं। जी भाई, कौन कौन से इन्वर्टर भी देखने हमारे को पास मिलेंगे तो आपके ये पास? मुख्तलिफ इन्वर्टर है, ये साको इन्वर्टर है, साको ये इन्वर्टर, साको है 3.5 का, इसमें जो है ना 5 ईयर की वारंटी होती ये है, वाला फाइव ये वाला, इसमें ईयर वारंटी के फाइव साथ देंगे आप फाइव ईयर वारंटी के साथ देंगे, और ये 3.5 है, ये बैटरी और विदाउट बैटरी के दोनों काम साथ दोनों करेगा? पे चलते हैं, और साथ में जो है ना ये हाइब्रिड होता है, अच्छा सही हो गया। हाँ, इसकी इसमें अगर प्र... वाईफाई वगैरह सब कुछ चलता है, ठीक है, इसकी प्राइस की इसका बात की जाए, MPPT करंट कंट्रोल, प्राइस क्या चल और रही है? इसका ठीक करंट प्लाट 1,30,000 का चल रहा है होलसेल में है, विद वारंटी, और अगर कोई बगैर वारंटी का लेना चाहे ना, तो हमारे पास बगैर वारंटी की भी होती है, 1,20,000 बगैर सही वारंटी में है होता है। ये। चले वो हमने दिखा दिया साको का, उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपके पास वो किस कपड़ा, फ्रोनस ये का? फ्रोनस का पड़ा है, ठीक है, फ्रोनस की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, क्यों? ये असल के मार्केट में एनवेरिक्स और ये इस तरह जो है ना वो थोड़ा शार्ट हुए, तो इसलिए अब फ्रोनस का ज्यादातर चल रहा है। सही फ्रोनस का है, ये 6 किलो वाट है, और इसका जो है ना टच स्क्रीन होता है, सही है, टच और इस स्क्रीन बगैर यहाँ पर, बैटरी और बैटरी दोनों के साथ चलता है, और ये हाइब्रिड इन्वर्टर होता है, सही है, यहाँ पर टच इसमें स्क्रीन भी है, वाईफाई वगैरह वाईफाई सब वगैरह कुछ भी होता है, नीचे दिए उसका जो है हुए। ना टच स्क्रीन भी है, और इसमें 7 साल की वारंटी होता है, 18 साल तो रिपेयरिंग वारंटी होती है, और उसके अलावा जो है ना वो सर्विस वारंटी होती है। ठीक है चलिए यार भाई, इसकी प्राइस की बात की जाए, नजर ये 1,85,000 का लगेगा। इसके आ रहा अलावा है? ये छोटा वाला UPS इन्वर्टर है, और अच्छा ये 2 किलो वाट का होता है, सही इसमें जो है है ना सोलर कैपेसिटी 1,200 वाट का कैपेसिटी होती है सोलर का। जी भाई, हाँ, उसके अलावा हमारे पास ये वाला, और ये लगेगा मेरे भाई व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगी, 40,000 का ठीक लगेगा। इसके अलावा ये पोर मैक्स कंपनी का है, जो विदाउट बैटरी वो चलती है, इसको है, जो है ना वो कम से कम 6 या 7 पैनल दोगे ना, तो घर का आप सारा सामान उसके सात सामान पैनल के चला ऊपर सकते पूरा हो। घर चल सकता है इस हाँ, पे, उसके ठीक अलावा है। ये वाला सनपेक साको का है, ये 5.5 में, और वो इसमें हमने पहले जो दिखाया था वो वो कितने का थ्री था? फाइव पॉइंट फाइव का था, वो 1,30,000 का था, और या 1,60,000 का, और ये 5.5 है, इसमें पॉइंट फाइव इसमें पेरल केट अपना लगा होता है, सही हो गया। पेरल केट भी है इसमें जो है तो ना, उस नाइन पीस सीरीज में लगा सकते हो, सही है, ये और फाइव इसके के का 5 किलो वाट है, और ये सोलर पावर का है, और ये बगैर बैटरियों की चलती है। सही हो गया यार, बैटरी की भी इस पे चलेगा। आप 6-7 पैनल दोगे ना, तो ये सा मतलब घर का सारा प्राइस सामान की चला बात की सकते, जाए क्या होगी? ये 30,000 का लगेगा। आप ना हमारे जो पंजाबी भाई देख रहे हैं बहुत ज्यादा फसल कॉस्ट करते हैं, उनको मोटर्स वगैरह के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जिनसे वो मोटरें चलाएं खेतों में, उसके लिए भी कोई इन्वर्टर वगैरह पड़े हुए हैं? उन लोगों के लिए स्पेशल तो ये चीज पड़ा है, आपके पंजाब के साइड के जो ज्यादातर लोग हैं वो खेतों वगैरह कहते हो, गांव वाले लोग, तो उनको ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए या VFD ज्यादातर यूज होते हैं, NVT जो कहते हैं, NVT, ये 3 फेज में होता है इसका, आप जो है ना हॉर्स पावर मुख्तलिफ हॉर्स पावर के मोटर चला सकते हो। जी ये 4.5 किलो वाट के, और ये जो है ना 11, 7.5 किलो वाट का है, ठीक है, ये लगेगा आप व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगी, और ये 26,000 का होगा, और ये जो है ना मार्केट में 40,000 उसका चल रहा है, और स्पेशल डिस्काउंट के साथ 36,000 का ये वाला छत्तीस हजार लगेगा। रुपये का मिल जाएगा, हाँ ठीक हो गया। जो हमारे चैनल का जो रेफरेंस दे के आपसे लेंगे तो उनके लिए आपने खसूसी डिस्काउंट भी करना है, तो क्योंकि इंशाल्लाह जो अगर कोई बंदा इसके साथ साथ अपना सेटअप लगवाना चाहे वो भी आपसे मिल जाएगा पूरा। तो मुकम्मल सेटअप मिल जाएगा A to Z। आप ये जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किस किस एरिया में दे रहे हैं? पूरा ये ओवरऑल सोलर पाकिस्तान में होता ऑल है, ओवर ज्यादातर पाकिस्तान, पंजाब के साइड और KP साइड में ज्यादातर होता है।